हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि ओप्पो A3X 5G फ़ोन में आप लोग डुअल ऐप को कैसे चला सकते हो। अगर आपके पास एक ओप्पो A3X 5G फ़ोन है और इस फ़ोन में जो आपको डुअल ऐप को चलाना है, अगर आपके फ़ोन में जो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह है, तो इन सब ऐप को जो आप लोग डुअल बना सकते हो। जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं गाइस, जिनमें जो है अकाउंट रहता है, तो उन अकाउंट को जो है मतलब उन ऐप को आप लोग डुअल बना सकते हो। व्हाट्सअप को डुअल बना सकते हो, फेसबुक को डुअल बना सकते हो। अगर व्हाट्सअप को डुअल बना देंगे तो दो ऐप देखने को मिलेंगे व्हाट्सअप के, और दोनों ही ऐप में आप लोग अलग अलग नंबर से व्हाट्सअप को चला पाएंगे, दो नंबर से व्हाट्सअप चला पाएंगे। तो कैसे आप लोग अपने इस फ़ोन में डुअल ऐप्स को चला सकते हो गाइस, तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊँगा आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डुअल ऐप को चलाने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने इस फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गाइस, ऐप मैनेजमेंट का। तो इस ऐप मैनेजमेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा गाइस ऐप क्लोनर का, तो इस ऐप क्लोनर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर आपको ऐप्स देखने को मिलेंगे जिन ऐप्स को आप लोग डुअल बना सकते हो। तो यहाँ पर जिस भी ऐप को आपको डुअल बनाना है उस ऐप पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद क्रिएट ऐप क्लोन का ऑप्शन आएगा, क्रिएट ऐप क्लोन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही देख सकते हैं व्हाट्सअप क्लोन एडेड टू होम स्क्रीन, हमारा जो व्हाट्सअप का ऐप हमने क्लोन किया है, तो अभी व्हाट्सअप जो है वो डुअल हो चुका है। अभी सीधा होम स्क्रीन में जाएंगे, व्हाट्सअप को चेक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर दो व्हाट्सअप है, दोनों ही व्हाट्सअप में आप लोग अलग अलग नंबर से लॉग इन करके चला सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने ओप्पो A3X 5G फ़ोन में आप लोग डुअल ऐप को चला सकते हो। तो कैसा लगा गाइस आप लोगों को ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।